सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी फर्स्ट का पाठ 8 अनोखा रक्षाबंधन ये पाठ पढ़ेंगे। रक्षाबंधन तो आपको सबको पता है, हमारे हिंदुओं का त्यौहार है रक्षाबंधन, भाई बहन का त्यौहार है। इसमें क्या करते हैं कि भाई है उसकी कलाई पे बहन राखी बांधती है, और रक्षा का जो रक्षा सूत्र रहता है तो रक्षाबंधन के जिस प्रकार से बहन की रक्षा के लिए वह कर्तव्यबद्ध रहता है, और इस पर इस दिन बहुत सारी मिठाइयाँ खाते, छोटे छोटे बच्चे रहते तो मिठाइयों का वो सब नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से त्यौहार मनाते हैं। तो इस प्रकार ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो एक छोटी बच्ची रहती है तो वह किस प्रकार से ये त्यौहार मनाती है, इसके बारे में अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार को बढ़ाता है। इस अनोखे त्यौहार को एक छोटी सी लड़की है पीहू ने अपने भाई राघव के साथ मनाया, तो किस तरह से मनाया इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। पीहू 6 साल की थी, वह नटखट थी पर समझदार भी थी। घर में भी सभी उससे बहुत प्यार करते थे। आज जब पीहू स्कूल से लौटी तो वह उदास थी, उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। माँ ने पूछा तो पता चला कि स्कूल से लौटते समय उसने बाजार में राखियों की कई दुकानें देखी। रंग बिरंगी चमकीली राखियों को देखकर उसके मन खरीदने को हुआ, पर वह राखी क्या करेगी, किससे बांधेगी, उसका तो कोई भाई ही नहीं है, यह सोचकर वह उदास हो गई। अब पीहू थी, वह स्कूल गई थी। स्कूल से वापिस आते टाइम समय रास्ते में बहुत सारी राखियों की दुकानें थी और सब खरीदारी कर रहे थे, पर राखियों को देखकर पीहू थी वो भी उसके मन में हुआ कि कितनी अच्छी राखियाँ हैं, काश मेरा भी भाई होता तो मैं उससे बांधती, पर उसके भाई नहीं था इसलिए वह उदास हो गई थी। पीहू ने माँ से पूछा, माँ बहन राखी भाई को राखी क्यों बांधती है। अब पीहू ने घर आकर उसकी माँ से पूछा कि राखी क्यों बांधती है अपने भाई को, तो माँ बोलती है ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा कर रहे, इससे भाई बहन में प्यार बढ़ता है, इसलिए इसे रक्षाबंधन कहते हैं, माँ ने बताया। तो क्या माँ सच में भाई बहन की रक्षा करता है। हाँ, एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है या हमेशा उसकी रक्षा करता है। माँ का जवाब सुनकर पीहू का चेहरा खिल उठा, वह खुशी से उछलती हुई बोली, माँ तब तो मुझे मेरा भाई मिल गया। अब उसने सोचा कि वास्तव में जो भाई है वह बहन की रक्षा करता है तो उसी को राखी बांधते हैं, तो वास्तव में वह रक्षाबंधन इसी का ही मतलब है कि जो भाई रहता है वह जो बहन की रक्षा करता वही उसका सच्चा भाई रहता है। तो उसका चेहरा खिल उठा। पीहू भागती हुई दादाजी के पास गई, उसने बाजार चलने की जिद की। दादाजी पीहू को लेकर बाजार गए। पीहू ने बाजार से एक बहुत अच्छी सुंदर राखी खरीदी। अगले दिन राखी का त्यौहार था। पीहू सुबह जल्दी उठ गई, वह बहुत खुश थी। उसने आज नया फ्रॉक पहना, फिर हाथ में राखी के लिए माँ पीहू की माँ सामने जाकर खड़ी हो गई और उनका हाथ पकड़कर मालिका का के घर की ओर चल पड़ी। माँ समझ नहीं पा रही थी कि पीहू को अचानक क्या हो गया है। मालिका का कॉलोनी के बाग की देखभाल करते थे, उनका घर कॉलोनी में ही था। माली के घर पहुंचकर उसने राघव को आवाज़ लगाई। राघव पीहू से 2 साल बड़ा था और उसी स्कूल में पढ़ता था। पीहू ने माँ से कहा, माँ आपने ही कहा था ना कि एक भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है। कल राघव भैया ने मुझे स्कूल बस से गिरने से बचाया और मेरी रक्षा की, तो ये हुए ना मेरे भैया। अब उसकी माँ थी, उसको उसने समझाया कि मेरी जब स्कूल से मैं आ रही थी मम्मा तब राघव भैया थे, उन्होंने मेरी रक्षा की थी, तो आपने भी कहा था कि जो बहन की रक्षा करता है वही असली भाई रहता है, तो ये राघव भैया थे उन्होंने मेरी रक्षा की थी, तो हुए ना ये मेरे सच्चे ही भाई। पीहू की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। तब तक पिताजी दादाजी और मालिक अक्का भी वहाँ पर आ गए थे। पीहू की समझदारी और इस अनोखे रक्षाबंधन को देखकर सब ताली बजाने लगे। पीहू ने राघव के माथे पर तिलक लगाया, उसे राखी बांधी। राघव ने भी इस छोटी बहन को उपहार दिया। पीहू बहुत खुश थी, उसे उसका जो भाई मिल गया था। दादाजी कह रहे थे रक्षाबंधन का त्यौहार का सही अर्थ पीहू ने ही समझा। इस छोटी सी बच्ची ने किस प्रकार से, जबकि 6 साल की थी, ना समझती फिर भी उसने उससे समझदारी दिखाई, और जिस तरह से उसकी माँ ने कहा कि जो रक्षा करता है वही अपना भाई रहता, तो उसके दिमाग में आया कि हाँ कि कल मेरी जब मैं बस से गिर रही थी तब उसने राघव ने जैसे जिस तरह से मेरी रक्षा की तो वो मेरा भाई ही हुआ। तो उसने न तो जात पात का न ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर अपने मालिका का के लड़का था जो जिसने उसकी रक्षा की थी उसके पास जाकर उसको राखी बांधी। तो सबको इससे
क्या शिक्षा मिलती है कि असली भाई है, रक्षाबंधन का त्योहार किस तरह से मनाना चाहिए। बस सबने, दादाजी ने, उसकी पिताजी ने, माली काका ने, सबसे उनसे सीखा कि वास्तव में समझदार लड़की तो कौन है, पी हुई है। धन्यवाद। इसके प्रश्नोत्तर अपन कल करेंगे, शब्दार्थ वगैरह सारे।